यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर GT5 वीडियो। गाइस, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला। आज सिर्फ हम जाएंगे बीच पर। बीच पर जाकर हम थोड़ी मस्ती करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो फ्रैंकलिन को बुलाएं तो फ्रैंकलिन को बुला लेंगे। वो यार, वो तो पास में ही है अभी। तुम्हें पता होगा उसको चूचू चार्ल्स वाला सीन हुआ था, लेकिन सुबह होने के बाद वो सारा सॉर्ट आउट हो गया। और जो हमारा रेड क्रिमिनल था वो भी जा चुका है अपने घर। रेड क्रिमिनल आएगा वापस, लेकिन अभी वो घर जा चुका है अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने लास्ट एपिसोड में फ्रैंकलिन को फाइनली बचा लिया, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम जाने वाले हैं बीच पे। बीच पे जाकर थोड़ी मस्ती करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। और मेरी कार देखो यार, मतलब ये हुई ना, हाँ कार है, ये कार नहीं है। ये देखो यार, मैंने क्या तगड़ी कार बनवाई है गाइस। बनवाई है इसको, तुम्हें पता होगा। अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना वो वाला एपिसोड भी। हमने मॉडिफाई करवाई है इस कार को। और रात को तो क्या लगती है ना, अभी हम दिन में निकल रहे हैं तो दिन में इतनी पता नहीं लगेगा तुम्हें क्या लाइटें वगैरह लगवा रखी हमने। लेकिन हम रात को निकलेंगे ना, तुम भी बोलोगे भाई ये तो कार नहीं लग रही है, तो कुछ और ही लग रहा है। तो गाइस, हम बड़ी संभाल के भी चलाते हैं इसको, वो बात अलग है। कभी कभी हम ठोक देते हैं एक दो साइन बोर्ड को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, साइन बोर्ड ही तो है, लग जाएंगे दोबारा। ये भाई यहाँ पे देखो यार, रेड लाइट ही रेड लाइट है। अबे ग्रीन लाइट नहीं होती क्या यहाँ पे? कभी जब भी आता हूँ ना यहाँ पे, हमेशा रेड लाइट। भाई ये क्या सीन है, ये तो गलत बात है यार। तो रुको यार, अभी थोड़ी आगे जाते हैं, यहाँ पे खड़ी करेंगे। नहीं यार, यहाँ खड़ी नहीं करेंगे, पार्किंग एरिया नहीं गए यहाँ पे, बीच पे जाना था ना हमें। देखो वो आगे है, आगे है मेरे ख्याल से, वो रहा वो रहा वो रहा पार्किंग एरिया है। ये रहा। गाइस, हम यहाँ पे कार पार्क करेंगे अपनी, अंदर नहीं लेके जाएंगे। तुम्हें पता है यार, डैमेज वगैरह हो सकती है, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं, हम सेलिब्रिटी हैं यार, तुम्हें पता होना चाहिए बात को। तो ठीक है, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अंदर। ये बेंच हमारी निशानी होगी, यहाँ पे बेंच के पास खड़ी करी हमने। याद दिला देना मेरे को अगर मैं भूल गया, कई बार मैं भूल जाता हूँ कहाँ खड़ी करी थी मैंने। ये क्या कर रही है? अबे पागल लोग ही आते हैं क्या इस बीच पे? वैसे मैं भी पागल ही होऊंगा उसके हिसाब से। तो चल, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बीच पे थोड़ा घूमेंगे यार। अरे चिल करेंगे आज, तुम्हें पता है कितना काम कर लिया हमने इस हफ्ते, तो आज थोड़ा चिल करते हैं। चलो बेटा। ये क्या है? हेलो, अबे इग्नोर कर रहा है, फोन में बात कर रहा है ना, कोई नहीं, फोन काट के क्या बोलता है, तेरी ऐसी तैसी मार दूंगा, रुक जा, मार मेरी ऐसी तैसी, ओए रुक, मेरी ऐसी तैसी मार मार मेरे को, पीट दे भाई पीट दे। अबे भाग कर रहा है, अभी तो बोल रहा था ऐसी तैसी मार दूंगा, रुक जा, पीट दे भाई पीट दे मेरे को, मुंह तोड़ दे मेरा, चल इधर आ। अबे इतना डरपोक है, रुको, इसको मैं बता दूं। ये क्या गाइस, अबे तो हल्का सा टकराते ही गिर गया, क्या ही? ओ हेलो, पानी लाऊं? अरे तो मजाक में है। अरे भाई, इतना ढीला आदमी नहीं देखा मैंने आज तक। ये तो हल्का सा टकराते ही गिर गया भाई, मैं मर मुर गया क्या गाइस? ये क्या हो रहा है, कैसा बीच है, कैसे लोग आ रहे हैं पे आजकल? यहाँ चार चार गोली लग के यार बंदा नहीं गिरता क्या यार? I'm disappointed यार। अब आगे चलते हैं, कोई नहीं छोड़ो, सीन ही गलत है यार यहाँ का। तो इनको देखते हैं, रुको। हेलो, ये यार डर के भाग रहे हैं। अबे कैसे बीच है भाई, कैसे लोग हैं, सोशलाइज कैसे करूँगा मैं? छोड़ो यार, म्यूज़िक चल रहा है वहाँ पे, म्यूज़िक सुनेंगे। कैसे लोग आ रहे हैं यार आजकल, मज़ा नहीं आ रहा है ना, म्यूज़िक पे नाचते थोड़ा। चल, बजा, बढ़िया हो जा रहा है। ओए, अरे वाह, मज़ा आ गया, बजाता रहा, बढ़िया बजा, बहुत ही मज़े वाली बात है भाई। चलो भाई ऐसे, ठीक है, बजाते रहो, गुड। देखो मेरा डांस अच्छा है ना, ट्रैवर ने सिखाया मेरे को। ट्रैवर ने खुद सिखाया दिल्ली से। ओ भाई बहुत अच्छे। चलो, ऐसे ही बजो, बहुत बढ़िया। पैसे चाहिए भाई तेरे को? अमीर हूँ मैं गाइस, पैसे के लिए मना कर रहा है यार ये तो, फिर बजा क्यों रहा भाई यहाँ पे? हो सकता है इसको शौक हो यार, पैसे वैसे ना चाहते, कोई नहीं, चलो ठीक है, हमें तो मज़ा आ रहा है, हम तो डांस कर रहे हैं। चलो हो गया डांस वांस, अब निकलते हैं यार, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है यार
बीच पे घूमने आए हैं तो डांस करके निकलेंगे थोड़ा ना, और भी कुछ करेंगे यार। ये देखो भाई, ओ भाई कैसा है भाई? यार मैं प्यार से बात करता हूँ और लोग है ना ताव पे आ जाते हैं। इसको देखो, प्यार से बात की मैंने, अब आ गया भाई गुस्से में और मैं का मार रहा है। अब मैं अगर अपनी पे आ जाऊँ पता क्या करता हूँ, मैं अभी बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। रुको एक मिनट, तुम देखो, तुम जस्ट वेट एंड वॉच। उसने मेरा पंच मारा ना, मैंने ऐसा पंच मारा कि आज के बाद पंच मारते लायक वो रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो मेरे से पंगा मत लिया करो यार, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, ठीक है? इतना खतरनाक आदमी हूँ मैं कि तुम्हारी लाइफ है ना उसी पॉइंट पे ओवर भी हो सकती है। तो मत किया करो यार GTA 5 में तुम तफरी। अगर तुम GTA 5 में तफरी कर रहे हो तो ठीक है यार, कर लो, लेकिन गारंटी नहीं है कि तुम बचोगे। अगर तुम बच भी गए तो धिक्कार है यार मुझ जैसे इंसान पे कि मैंने तुम्हें जाने दिया। बहुत ही गलत बात है यार ये। और देखो यार कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी दिलेर बंदा नहीं मिला जो ढंग से बात कर सके, सोशलाइज कर सके। ऐसा क्यों हो रहा है हमारी दुनिया में? क्यों हम खोते जा रहे हैं उस टैलेंट को जो हमें चाहिए होता है सोशलाइज करने के लिए दूसरे लोगों के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया किस तरह बढ़ रही है ये मेरे को रियली कंसर्निंग लगता है काफ़ी। लेकिन अगर तुम देखो, मैं सामने की तरफ जाता हुआ और मैं देख रहा हूँ ये लोग यहाँ पे, देखो यार सिगरेट वगैरह फूंक रहे हैं। भाई मत फूको यार, इतना हेल्थ कॉन्शियस होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकते हो। ये देखो यार, वो कुर्सी पे बैठा फिर बैठ गया, खड़ा हुआ फिर बैठ गया। अबे क्या हो रहा है ये? चलो यहाँ पे आगे बर्गर मिल रहा है। ओ आंटी हेलो, अबे ये क्या बोल रहा है स्पेनिश में? हिंदी बोलना बेटा, बहुत तोड़ूंगा हिंदी में ही तोड़ूंगा फिर मैं। चलो भाई, ये क्या हुआ? ओ हेलो, अरे गाइस कैसे लोग आ रखे हैं बीच पे? मैं उस बीच पे नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ बर्गर खाने। बर्गर वैसे बीच पे मिलेगा। तो गाइस मैं बर्गर बेच रहा हूँ, 25 रुपये का मिलेगा तुम्हें, 30 रुपये का मिलेगा, थोड़ा बड़े वाला और लोगे तुम 40 वाले का मिलेगा। 40 वाले में तुम्हें चीज़ भी मिलेगा, ठीक है? 25 वाले में खाली तुम्हें वही थोड़ी बहुत चटनी और वो टमाटो ऑनियन वगैरह मिलेंगे, हाँ फ्राई करके मिलेगा बर्गर तुम्हें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये खाएगा बर्गर? नहीं, ये बर्गर नहीं खाने नहीं आया, ये मेरे हाथ का खाने आएगा। और इतना गंदा खाएगा ना अब ये कि पूरी लाइफ बर्गर नहीं खा पाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको इसको। अभी देखो, अब ये अपनी औकात पे आ गया। औकात पे आके इंसान क्या करता है? भागता है, दुम दबा के भागता है। तो ऐसे ही वो भाग रहा है और तुम देख सकते हो उसको। अगर तुम देख सकते हो से मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारी आँख खुली हुई है तो ये देखो यार, ये मोटे, अबे मोटे एक्सरसाइज करना यार, क्यों भागता नहीं है? तेरी भी ऐसी की तू क्या कर रहा है बीच पे, क्या करने है? आओ तुम्हें दो। अबे ये भी लेट गया भाई, क्या कमज़ोरी फैल रखी है भाई GTA 5 के अंदर, ये क्या हो रहा है? मतलब धक्का देते ही बंदे लेट रहे हैं। GTA San Andreas में बंदे 5 गोलियों में नहीं मर रहे क्या यार? GTA 5 में, GTA 6 में तो मेरे को लग रहा है फूक मारूंगा 4-5 उड़ जाएंगे। ये देखो गाइस, ये गंदा सीन लगता है मुझे। वो भाग रहा है भाई, ये देख के अच्छा लगा। देखो भाग रहा है गाइस, वो उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी अब। चलो अच्छी बात है, भाग भाग बेटा, भाग भाग, ऐसे भागो ऐसे भागो, भागते रहो भागते रहो, रुको मत। अगर रुकोगे तो मैं तोड़ दूंगा फिर हड्डी पसली, हड्डी भी तोड़ूंगा पसली भी तोड़ूंगा। ये वो सामने बोट देखो यार, मस्त लग रही है। मुझे लग रहा है वो बोट मुझे चुरानी चाहिए, और उस बोट को चुराने के बाद मुझे पता क्या करना चाहिए? मेरे को उस बोट को बीच पे चलानी चाहिए। अगर मैं बीच पे चलाऊंगा तो लोगों में थ्रिल आएगा, लोग भी बोलेंगे भाई ऐसा रोज तो नहीं होता, कुछ नया देखने को मिलेगा लोगों को। तो ठीक है यार, यही करते हैं हम। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, अबे मैं ही तो बैठना था और कोई था भी नहीं मेरे पीछे, कोई आ भी नहीं सकता मेरे पीछे इतनी दूर तक पानी में, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा। और ट्रेवर और फ्रैंकलिन और हमारा रेड क्रिमिनल। तो गाइस ये देखो, मैंने बोट ले ली है। लेने के बाद हम क्या करते हैं? बोट को हम कहाँ चलाते हैं बताओ? बोट को हम चलाते हैं बीच पे। अब हम बीच पे बोट चलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंड पे चलते हैं भाई, बोट बोट तो लैंड पे चलनी चाहिए। तो कोई मिनट, अरे ये तो उड़ रही है। मैंने बोट चुराया या प्लेन चुराया? देखो तो याद नहीं है यार, प्लेन तो नहीं है यार, ये बोट ही है। विंग्स का है इसके, लेकिन कोई नहीं, इसको उड़ाते हैं ऐसे, लोगों को परेशान करते हैं थोड़ा। अच्छा लगता है यार बीच पे लोगों को परेशान करने में, मज़ा आता है लगे। मतलब बीच पे लोग बैठे हुए हैं आराम से, फुल मतलब धूप सेक रहे हैं, और यहाँ पे एक बोट आ रही है। कैसा लगेगा? और तेरी उनका भी कैंप करेगा।
चलो सॉरी बोल दूंगा बाद में जाते जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माफ़ी मिल जाएगी, फिर जाएंगे हम अपने घर चलेंगे, उसके बाद हमें डीलिंग्स वगैरह भी करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए गाइस डीलिंग्स किस किस चीज़ की करनी है। तुम्हें अगर ये नहीं पता तो यार क्या कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना, पता बता देता हूँ। चलो एक बार और गाइस, हम शोरूम खरीदने वाले हैं बड़े वाला, ठीक है, ये मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे फ्रैंकलिन वगैरह से, फ्रैंकलिन गायब हो गया था, अब फ्रैंकलिन आ गए वापस। वही क्या कर रहे हैं, अबे पुलिस वालों ने इस बंदे को मार दिया, कोई नहीं कुछ करा होगा ये, सही में लेकिन पुलिस वाले अब किसको गन दिखा रहे हैं, मुझे इनकी इतनी औकात नहीं, नहीं मुझे नहीं दिखा रहे। अबे यार बच्चे हैं अभी, रुको एक मिनट अभी बताता हूँ उसको, उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता हूँ और जहाँ तक ये जाएगा ना वहाँ तक मैं भी जाऊँगा। अरे नहीं 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 मुझे तो मेरी कार लेनी है यार, मैं तो कार में आता भूल गया। अबे अपने साथी को मार गया, तो ये गंदा सीन है यार, कैसे पुलिस वाला है यार, हट अपने साथी को मार गया, कोई नहीं यार छोड़ो, अब मैं अपनी कार लेने जाता हूँ गाइस। कार मेरी कहाँ खड़ी थी, यही थी एक मिनट इस बेंच के पास थी ना, एक मिनट, ओ मेरी कार कहाँ है, मेरी कार कहाँ गई, ओ भैंस की आँख, मेरी कार चोरी हो गई, इनसे पूछता हूँ। गाइस ये तो बोल रहे हैं ये तो अभी आए हैं, इनको नहीं पता कुछ। अबे यार इतनी तगड़ी कार बनवाई थी मैंने, वो चोरी हो गई, आगे देखता हूँ, हो सकता है आगे खड़ी हो सकता है मैं ही भूल गया हूँ, भैंस तो आगे भी है, नहीं भाई चोरी हो गई। अब होगा सीन गंदा वाला, अब गंदा वाला सीन होगा, अच्छे वाला कुछ हो ही नहीं सकता। रुको एक मिनट, फ्रैंकलिन को फ़ोन करता हूँ, फ्रैंकलिन भाई फ़ोन उठा लियो तू, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं उठाया ना तेरे को भी चमकाना पड़ेगा फिर, फ़ोन कर रहा हूँ गाइस मैं। बारा उठा 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 उठा। तो गाइस अगले वीडियो में ना मैं कार ढूंढूंगा आपकी, ठीक है, अगले एपिसोड में हम कार ढूंढेंगे और कोहराम मचा देंगे, आप वेट एंड वॉच।